क्या हो गया? तो ये यूनिडायरेक्शनल दोनों तरफ चलने वाला है ना? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, और स्वागत एक बार आपका फिर से इस नए व्लॉग में। तो आज अपन स्पेशली आ गए अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने के लिए। अब जूते चेंज करवाएंगे अपने दनों के, और अपन खड़े हैं अपोलो टायर। अभी देखते कौन से वाले टायर, अपोलो डलवाएं, सीएट डलवाएं, कहाँ, एमआरएफ के तो मुझे नहीं लगता क्योंकि उन्होंने गारंटी काफ़ी कम कर दी है। गाड़ी के टायर एकदम जवाब दे चुके हैं ना, तो अब दीपावली पे अपन गाड़ी के अंदर का भी काम करवाएंगे, इंटीरियर को भी चेंज करवाएंगे और टायर भी चेंज करवा लेते हैं। पहले टायर अलाइनमेंट वगैरह कराने के बाद इंटीरियर का भी थोड़ा ध्यान देंगे और इसको ड्राई क्लीन भी करवाएंगे। दनों चमचमाती रहनी चाहिए, अब ड्राई क्लीन करवाएंगे क्योंकि कुछ कॉकरोच भी अंदर आ गए यार, पता नहीं कहाँ से आ गए। चलो वो करवाएंगे, अभी रेट्स पूछ लेते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सी गारंटी वारंटी के हिसाब से, तो फिर वो देखते हैं, वो लगवाते हैं। ये जो अपोलो टायर के भाई 25,000 के चार टायरों का बताया है विद अलाइनमेंट बैलेंसिंग, अभी अपन देख रहे हैं सीएट में, तो सीएट के क्या रेट आते हैं अभी देखते हैं। बाकी अपोलो का बता रहे कि 60,000-70,000 तक चल जाएंगे यार वो, तो पता नहीं। अब ये बोल गारंटी वारंटी तो बढ़िया देते हैं अनकंडीशनल 2 साल की। ये वो आता ड्यूटी गाड़ी के साथ वाला, कौन ये वाला है? हाँ। ये इसमें अगर नहीं आपकी गाड़ी साथ में, इसमें तो आपके एचपी से सस्ता वाला है, फिर इसे ये ज़्यादा गुड्डी जाओगे दिया जाएगा, सस्ते भी जाओगे आप दिया जाएगा, कौन सी फोन जाओगे आपके चार डर आते हैं चार डर पड़े थे चार डर वाला भाई। फाइनल क्या है ये वाला टायर, क्योंकि ये थोड़ा वाइड है और ये थोड़ा राउंड शेप में है, लेकिन ये वाइड है तो ये वाला अपने को अच्छा लगेगा। और ये 100-150 रुपये महंगा है, लगभग जो कॉस्ट आ रही है ना यहाँ पर भी 25,000 के आसपास, 25,000 ही आ रही है चारों टायरों की। और वही बोल रहे हैं कि यार कि सेम गारंटी वैसे ही गारंटी, कंपटीशन है और ये कह रहे हैं 80,000 तक गाड़ी चल जाएगी। वैसे तो कंपनी क्लेम करती है 1,00,000 किलोमीटर तक ही चल जाएगा, लेकिन अभी 60-70 तो चल ही जाएंगे। और सीएट का अच्छा है, बढ़िया है, और ऑल टेरेन और थोड़ा चौड़ा भी दिख रहा है, तो मेरे को पसंद आ गया। तो अपन ये लगवा रहे हैं सीएट के 25,000 रुपये में चार टायर विद बैलेंसिंग का, तो जो अगर वेट लगेगा वो अलग से चार्ज होगा। आज भाई खर्चा कर ही दिया तुम्हारे भाई ने, और फिर इसके बाद कराएंगे इसकी ड्राई क्लीन वगैरह वगैरह, टना टन कर देंगे गाड़ी को। ये ऑल टेरेन टायर, ऑल टेरेन में तो क्या जो हाईवे पे चलते हैं वो नॉइस करते हैं, और लेकिन ये वाला जो है ऑल टेरेन टाइप ही है लेकिन नॉइस नहीं करेगा लगभग। तो ओल्ड टेरेन में क्या होता है, जिग जैग सी होती है लगभग, ये ओल्ड टेरेन टाइप सा ही है। और ये हाईवे जो क्या बोलते हैं रेडियल, जो हाईवे पे चलाने में नॉइज़ नहीं आती, ये भी नॉइज़ नहीं करेगा जहाँ तक ये बता रहे हैं। बाकी करेगा तो सही मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा है यार इसमें जिग जैग। क्या हो गया? तो जी कार्रवाई शुरू हो गई अपने गाड़ी की, और ये भाई स्टेपनी से पीछे से निकल नहीं रहा, टाइट हो गया, कैसे जाम सा हो गया। बट बोल्ट तो खोल दिया है लेकिन ये टाइट हो रखा है, जंग लग गया क्या? लाओ ये निकाल के देना। कुछ इंच तक घिस चुके हैं यार, टर्निंग इसकी भी करवाएंगे क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं है, जब ये डिसबैलेंस होने लगेगा ना तब करवाएंगे। बाकी भाई शॉकर वगैरह तो ओके ही है, खोलने में बस देख लेते हैं अपन। ये देखो भाई नीचे ये पट्टा थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, खड्डों में कूद कूद के, ये बक्का ये वाला ये थोड़ा ऐसे रहना चाहिए था। तो टायर निकाल दिए, कोई लगेगा टायर बैलेंसिंग हो गई है अपने टायरों की। कौन से वाले में पेंट है यार? फ्रंट में खड्डे में इस पे बैंड आया था, कहीं ना कहीं बैंड है इसमें बैलेंसिंग के दौरान पता चला है। पीछे लगा देंगे इस टायर को, तो
भाई अपने गाड़ी के चारों टायर नए लग चुके हैं, सेट के एच टी। इसमें पहले आए थे एच पी करके, ये जो एच टी है ना कंपनी से एच पी के आते थे, एच पी का बंदों के सबसे हल्के टायर आते थे, लेकिन वही अपन ने 60-70 हज़ार चला दिए। तो कह रहे ये वाले ज़्यादा चलते हैं, ये मजबूत ज़्यादा, पीछे स्टेफनी वाला टायर जो पहले का स्टेफनी का जो बचा हुआ था ना वही इसमें लगवा देंगे। और भाई चारों टायर रेडी हो चुके हैं और अभी इसका करवा लेंगे अलाइनमेंट। ग्रीसिंग कर रहे हैं ताकि, क्योंकि पिछली बार जब भी खोला था तो भाई जंग लग गया था, देखो तो अगली बार दिक्कत ना आए इसलिए पहले ग्रीसिंग करवा देते हैं स्टेपनी में। अब अपने दोनों तैयार हो चुके हैं भाई एक नई ट्रिप के लिए। अब चलेंगे नवंबर में ट्रिप पे, बढ़िया विंटर स्पीति या विंटर कश्मीर कुछ तो करके आएंगे बर्फ के लिए। पूरा टायर अपने जकाजक हो गए, स्नो चैन और लगवा लेंगे फिर निकलेंगे मस्त। तो चलो कि अभी अपनी सर्विस भी आ चुकी है 60,000 किलोमीटर वाली, जिसको सिक्स सर्विस बोलेंगे। तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी वो आपको जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।